हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में. एंड आज हम जो ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर नंबर 7 है, एंड आज हम जो है इस वीक के 20 वर्ड्स जो है वो सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड. सो फर्स्ट वर्ड है हमारा अर्स्टवाइल. अर्स्टवाइल क्या है? एक एडजेक्टिव है. ओके, एंड इसका मतलब होता है फॉर्मर. फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब पहले. ठीक है, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मींस फॉर्मर, एक्स, देन. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पहले था, अभी नहीं है, ये मेरा दोस्त अभी है, ये मेरा दोस्त पहले था, अभी मेरा दोस्त नहीं है. तो मींस ही इज माय फॉर्मर फ्रेंड और ही इज माय एक्स फ्रेंड. ओके, सो वो वो होते हैं मतलब अर्स्टवाइल. एंड एंटोनिम होंगे करंट या प्रेजेंट. ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को बोल रहे हो सिनोनिम, अगर किसी चीज है जो पहले है तो मतलब पहले थी, तो उसका उल्टा क्या होगा? अभी है. ठीक है, करंट. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? मिस्टर मनमोहन सिंह इज द अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो मिस्टर मनमोहन सिंह है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर थे? मिस्टर मनमोहन सिंह. ठीक है, सो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, या एक्स प्राइम मिनिस्टर है, या फिर ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो अर्स्टवाइल मतलब पहले. ओके, फॉर्मर. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकम्बेंट. इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है? नेसेसरी है, वो जरूरी है, या कोई जिम्मेदारी है. कोई जिम्मेदारी है उसे भी हम इनकम्बेंट बोल सकते हैं, या कोई हमारी नेसेसिटी है, जरूरत है, उसे भी हम इनकम्बेंट बोल सकते हैं. या फिर करंटली होल्डिंग ऑफिस, या अभी ऑफिस किसके कंट्रोल में है. जैसे अभी गवर्नमेंट इंडिया में, गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी. ठीक है, एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर? करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, एंड सिनोनिम्स क्या आ सकते हैं इसके? बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, नेसेसरी और कंपल्सरी. एंड एंटोनिम क्या होंगे? ऑप्शनल या फॉर्मल. ठीक है, सो जो हमारा पिछला वर्ड था, ठीक है, पिछला वर्ड था हमारा अर्स्टवाइल, तो ये उसका क्या है? कंप्लीट ऑपोजिट है. अर्स्टवाइल का ऑपोजिट है इनकम्बेंट. अर्स्टवाइल था पहले, और इनकम्बेंट मीन्स करंट ऑफिस जो है वो किसने होल्ड किया, या कोई हमारी जरूरत है, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी हम इनकम्बेंट बोलते हैं. एंड ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट इज इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट टू गिव अ क्लियर लीड. ठीक है, कि ये जरूरी है. ठीक है, कि ये जरूरी है गवर्नमेंट को कि वो क्लियर लीड जो है वो दे दें. ठीक है, मैंडेटरी है, या क्लियर नेसेसरी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, सो इसमें ऐसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, या फिर हम और सेंटेंस जैसे करंटली होल्डिंग एन ऑफिस, अभी हमारा जो करंट ऑफिस जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है. ठीक है, सो ये था हमारा सेकेंड वर्ड इनकम्बेंट. एंड इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है करंटली ऑफिस किसने होल्ड किया है, या कोई चीज जरूरी है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, एंड ये किसका ऑपोजिट है? अर्स्टवाइल का ऑपोजिट है. अर्स्टवाइल हमारा फर्स्ट वर्ड था, एंड उसका मतलब था फॉर्मर या एक्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैंसिड. एंड रैंसिड एक क्या है? एडजेक्टिव है. एंड रैंसिड का मतलब होता है रॉटन, जो सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, उसे हम बोलते हैं रैंसिड. ठीक है, जैसे आजकल मानसून चल रहे हैं, बरसात का मौसम है, आजकल तो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं. आप कुछ भी खाने का सामान लाएं, आप बाहर रखेंगे, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है. ठीक है, क्योंकि इतना ह्यूमिडिटी होती है. ठीक है, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा ह्यूमिड है, तो बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं. तो उस सड़ने को हम बोलते हैं रॉटन. एंड उसको क्या है? रॉटन बोलते हैं हम, रॉटन. एंड उसे हम बोलते हैं रैंसिड. एंड इसके सिनोनिम्स क्या है? रॉटन, प्यूट्रिड, ऑफ या स्टेल, बासी जिसको हम बोलते हैं. ओके, एंड एंटोनिम क्या होगा? फ्रेश. ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप बोल रहे हो कि वो सड़ गई, गल गई है, ठीक है, सड़ी हुई है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई चीज एकदम फ्रेश है. ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द स्कर्ड इज रैंसिड. ठीक है, कि ये जो दही है वो क्या है? ये दही जो है वो बासी है, या बहुत पहले का है, या सड़ा हुआ है. ओके, जैसे दही खट्टा हो जाता है बहुत ज्यादा. अगर दही है, दही को अगर हम ऐसे एक दो दिन ऐसे ही रखे रहें, बाहर रखते हैं, ठीक है, अपने अगर फ्रिज में ना लगाएं, बाहर रहने दें, तो आजकल के मौसम बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है दही. ठीक है, सो मींस वो खराब होने लग पड़ता है. सो दैट इज रैंसिड. ओके, सो ये था हमारा थर्ड वर्ड रैंसिड, जिसका मतलब होता है सड़ा हुआ या गला हुआ. नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपग्नेंट. रिपग्नेंट एक एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, ये बहुत ही ज्यादा बेकार.
बहुत ज्यादा बेकार, ठीक है, जिससे आपको क्या है, एक तो खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड साथ में आपको कोई जो है वो हेल्थ इश्यू आ जाए, मीन्स आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज को हम बोलेंगे रिपग्नेंट। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिपल्सिव, रेपेलेंट, डिस्गस्टिंग, सिकनिंग, नॉजिएटिंग, इनकम्पैटिबल विद रिपग्नेंट टू, ठीक है। सो बिल्कुल बेकार, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, एंड एकदम से मीन्स आपको वो बीमार कर दे ऐसा, ठीक है। सो ये हमारे दो वर्ड थे। पिछला हमारा वर्ड क्या था? रैंसेड। रैंसेड का मतलब होता है सड़ा हुआ या गला हुआ। रिपग्नेंट का मतलब होता है एकदम से टेस्टलेस, ओके, बिल्कुल उसमें स्वाद नहीं है। सो ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं दोनों, ओके। एंड इसके एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट एंड टेस्टफुल। ऑब्वियसली कोई चीज बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? कैनिबलिज्म सीम्स रिपग्नेंट टू अस, ठीक है। सो कैनिबलिज्म है, कैनिबस लीव्स जो होते हैं वो बेसिकली भांग के लीव्स होते हैं, जो भांग होती है ना उसके पत्तों को हम कैनिबिस बोलते हैं। सो कैनिबलिज सीम्स रिपग्नेंट टू अस, की जो कैनिबलिज्म है, ठीक है, या कैनिबिस से भांग है वो एकदम ही क्या है? टेस्टलेस है, ठीक है। अब जिन्होंने टेस्ट की होगी उसको पता है कि भांग कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, ओके। खैर, जोक्स अपार्ट, ओके। सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड रिपग्नेंट, जिसका मतलब होता है एकदम टेस्टलेस, ओके। एंड ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ऐसे कोई चीज अगर आपके सामने रखी हो तो ऑब्वियसली आप नहीं खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेपिड। टेपिड क्या है? अगेन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है स्पेशली ऑफ अ लिक्विड ओनली स्लाइटली वार्म या लूवॉर्म, जो कोसा या गुनगुना जो होता है उसे हम बोलते हैं टेपिड, जैसे पानी है, कभी हम बोलते हैं ना कि गुनगुना पानी चाहिए पीने के लिए, ठीक है, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेपिड एंड उसको ल्यूकवॉर्म भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अनएंथुसियास्टिक, अपैथेटिक या हाफ हार्टेड। अब अगर हमें किसी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बोलो तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ल्यूकवॉर्म इंसान है, ठीक है, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? हाफ हार्टेड, ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी बहुत ये हो जाता है, ठीक है। अनएंथुसियास्टिक, ठीक है, कि मतलब ठीक है, ज्यादा उसको एक्साइटमेंट नहीं रहती चीजों की, ओके, ठीक है, नॉर्मल लाइक, ओके, तो उसको हम बोलते हैं टेपिड। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? वार्म एंड एंथुसियास्टिक। कोई होता ना कि बहुत ज्यादा खुले दिल वाला होता है, कि बहुत आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है, ठीक है, वार्म वेलकम आपको देता है एंड फुल्ली एंथुसियास्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा जो है उसमें एक अलग ही जील, एक अलग ही एनर्जी एंड एक अलग पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है। सो वो होता है उस वो होते हैं हमारे टेपिड के ऑपोजिट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल सेंटेंस क्या है? द रिस्पांस ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन वाज ओनली टेपिड, ठीक है, कि जो मार्केटिंग कैंपेन का रिस्पांस था वो ठीक ठाक ही था, मींस मतलब ना ज्यादा अच्छा था ना ज्यादा बुरा था, ठीक है। टेपिड मींस ठीक ठाक, एंड अगर हमें लिक्विड की भाषा में बोलना हो, पानी की भाषा में, मींस ल्यूकवॉर्म या गुनगुना टाइप, ठीक है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, बीच वाला, ठीक है। तो जब भी अगर किसी इंसान को डिस्क्राइब करना हो तो मतलब हाँ ठीक ठाक ही है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ओके, तब हम उसे बोलेंगे टेपिड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनंडेशन। इनंडेशन क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है एन ओवरवेलमिंग एबंडेंस ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है, कि जो बहुत ही ज्यादा कहीं पे लोग हों या बहुत ज्यादा चीजें हों तो उसे हम बोलते हैं इनंडेशन। तो इसका सिनोनिम क्या होंगे? फ्लड, ओवरफ्लो, डिलज, टॉरेंट या इनफ्लक्स, ठीक है, जहाँ कहीं कोई भी चीज है, कोई लोग हैं या कोई चीज है, उसका बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाना उसे हम बोलते हैं इनंडेशन। एंड इसके एंटोनिम क्या है? ट्रिकल या स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स कोई एक चीज है वो बहुत ज्यादा है तो दूसरी चीज क्या है? बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट हुआ। एग्जाम्पल सेंटेंस, एन इनंडेशन ऑफ रग्बी फैंस, ठीक है, कि जो रग्बी फैंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनकी इनंडेशन, ठीक है, तो रग्बी फैंस बहुत ज्यादा है, ओके, रग्बी इज बेसिकली ए गेम, ओके। देन यहाँ पे आप साथ देख सकते हो, द डॉक्टर इज इनंडेटेड, मीन्स डॉक्टर के पास कितना सारा काम है, ओके, एंड अभी पेंडेमिक चल रहा है, सो यू नो, ठीक है, डॉक्टर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हम सबकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं, ओके। सो इनंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का या लोगों का बहुत ज्यादा हो जाना, एक्सेस में हो जाना, उसे हम बोलते हैं इनंडेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्रिटिक।
क्रिटिक एक नाउन है एंड इसका मतलब है अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली अ लिटररी फिलोसफिकल और पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, कि किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का डिटेल्ड एनालिसिस करना है, जैसे कि आप लिटरेचर का कर रहे हैं या फिलोसफिकल चीजों का कर रहे हैं या पॉलिटिकल थ्योरी का कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत ही डिटेल में उसका एनालिसिस करना, उसे हम बोलते हैं क्रिटिक. एंड इसके सिनोनिम क्या है, बहुत इवैल्यूएशन. ठीक है, बहुत ध्यान से उसको जो है वो हर एक चीज को, हर एक चीज का मीन्स मतलब निकालना है, एक कोने कोने में जाना है, एकदम उसको जो है वो जड़ से जो है वो उसको समझना चीज को. ठीक है, असेसमेंट, अप्रेजल, रिव्यू या राइट अप. एंड इसके एंटोनिम क्या है, कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटरी, प्रेज. ठीक है, कि आप हाँ ठीक है कॉम्प्लीमेंट की, हाँ ठीक है ऊपर ऊपर से. ओके, एंड एग्जांपल सेंटेंस, अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरिज्म. ठीक है, कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरिज्म का ये क्रिटिक है, मीन्स उसका ये डिटेल्ड एनालिसिस, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें है. ठीक है, तो क्रिटिक का मतलब होता है पूरी जानकारी जो है वो ग्रहण करना, उसकी तह तक जाना सारी के. ठीक है, तो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड क्रिटिक. नेक्स्ट हमारा वर्ड है रुथलेस. रुथलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है नॉट थिंकिंग और वरिंग अबाउट एनी पेन कॉज टू अदर्स और क्रूअल. जो बहुत ही ऐसे पत्थर दिल इंसान होता है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा इंसान तकलीफ में है या उसको कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, ही इज वेरी क्रूअल. जो बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल इंसान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रथलेस. ठीक है, या रथलेस. ओके, एंड इसके सिनोनिम क्योंकि मर्सीलेस, पिटीलेस, रिलेंटलेस, रिमोर्सलेस या अनस्पेयरिंग. एंड इसके जो एंटोनिम है वो क्या है, मर्सीफुल एंड कंपैशनेट. कि एक एक दो पत्थर दिल है एंड उसका उल्टा क्या होगा, कि बहुत ज्यादा कंपैशन, बहुत ज्यादा काइंड है. ठीक है, दूसरों की तरफ. इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, सम पीपल बिलीव दैट टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू बी रथलेस. ठीक है, तो ये बोल रहे कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको रथलेस होना पड़ेगा, आपको पत्थर दिल होना पड़ेगा. ठीक है, सो ये बिलीव है, ठीक है, काफी लोगों का, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं है. जब जब आप किसी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते जाते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, प्रॉब्लम्स फेस करते जाते हो, तो आप क्रूअल नहीं होते, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड इंसान बनते जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप किस पेन सफरिंग से गुजरे हैं एंड आप कभी नहीं चाहोगे कि कोई और भी जो है वो सेम पेन या सफरिंग से गुजरे. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये था हमारा एट्थ वर्ड रुथलेस, जिसका मतलब होता है पत्थर दिल. ठीक है, एकदम क्रूअल या पत्थर दिल इंसान. नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलेंटलेस. ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, मींस कंटिन्यूइंग इन अ सीवियर और एक्सट्रीम वे. ये ऑलमोस्ट जो हमारा पिछला वर्ड है रुथलेस, उसका सिनोनिम ही है ये. ठीक है, रिलेंटलेस, सो उसका मतलब है कि एकदम सीवियर या एक्सट्रीम वे, बस करे जा रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं है, बस अपने आप को आप एकदम से बस पत्थर बना के बस उसको करे जा रहे हो कोई चीज को. ठीक है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन बस आप अपने आप को जो है वो सफरिंग या पेन जो है वो दिए जा रहे हो. ठीक है, क्या है, परसिस्टेंट, अनस्टेंट, देन अनईल्डिंग, इनएक्सोरेबल, अनरिमिटिंग, अनफ्लिंचिंग, अनअबेटेड, अनफ्लैगिंग. ओके, एंड इसके एंटोनिम क्या है, ईल्डिंग, इंटरमिटेंट या. ठीक है, कि एक है जहां से आपको कोई ये तो नहीं आ रहा, ठीक है, कि बिल्कुल अनयील्डिंग है. ठीक है, आप बस अपने लगे हुए एक्सट्रीम वे में अपना जो अपने आप को लाइक जैसे जो लोग हैं जो जॉब करते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, वो ओवरवर्क करते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरवर्क करे जा रहे हैं. ठीक है, बट अल्टीमेटली उसका कोई आपको फल नहीं मिल रहा है. ठीक है, आप बस क्या कर रहे हो कि अपने आप को बस वहां पे एकदम एक्सट्रीम वे में अपने आप को पुश किए जा रहे हो. ठीक है, सो दैट इज रिलेंटलेस. ठीक है, अपने आप को आप जो है वो सफरिंग दे रहे हो. ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर. ठीक है, कि उसकी बहुत ही ज्यादा परस्यूट है, कि उसको खोज है, इसको ना बहुत एक्सट्रीम खोज है, किसकी, वेल्थ की और पावर की. वो वेल्थ और पावर का एकदम ऐसे लगता है कि बस उसको वेल्थ एंड पावर चाहिए. ठीक है, सो ये था हमारा नाइन्थ वर्ड रिलेंटलेस. एंड इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को बस एक्सट्रीम या बहुत ही गंदे तरीके से बस करे जा रहे हो. ठीक है, बहुत क्रिटिकल वे में आप उसको करे जा रहे हो. नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेडेंस.
एंड क्रीडेंस क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब है द बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, एक बिलीव होता है कि हाँ जी ये जो है वो सही है, ठीक है. जैसे मैं बोलूँ कि जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है एंड वेस्ट में जाता है, तो ये मेरा बिलीफ है, मुझे पता है, ठीक है. या फिर मैं अगर अपना कोई, अगर मैं मान लो मैं सपना देखती हूँ कोई कि हाँ जी मुझे बड़े होके ये बनना है, वो बनना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी, सो वो क्या है, वो मेरा बिलीफ है, ठीक है. मुझे लगता है कि काइंडनेस जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप दूसरों से काइंड रहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे बिलीफ है, ठीक है. सो आपका कोई बिलीफ है कि हाँ जी ये बात सही है, तो उसका मतलब, उसको हम बोलते हैं क्रेडेंस. एंड इसके सिनोनिम्स क्या है, बिलीफ, ट्रस्ट या फेथ, ठीक है. एंड एंटोनिम क्या है, डाउट, मिसगिविंग या अनट्रस्ट. ऑब्वियसली अगर आप क्रेडेंस है उसका मतलब है ट्रस्ट कर रहे हो आप किसी पे, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उल्टा वर्ड क्या होगा, कि आप किसी पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, किसी पे आप जो है वो भरोसा नहीं कर रहे हो, ओके. इसका एग्जांपल सेंटेंस क्या है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव क्रेडेंस टू एनोनिमस कंप्लेंट्स, ठीक है, कि मैं जो इस वक्त मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं जो है एनोनिमस की बिन नाम की कंप्लेंट्स को जो है कि बिन नाम की कंप्लेंट्स पर विश्वास करूँ, ओके. सो एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम वाला, ओके. सो ये था मेरा 10th वर्ड क्रेडेंस, जिसका मतलब होता है बिलीफ कि ये चीज सही है, ओके. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कन्वर्ज. कन्वर्ज का मतलब, कन्वर्ज क्या है, एक वर्ब है एंड उसका मतलब है टेंड टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर क्या करना, मिलना, ओके. से जैसे ये है, ठीक है, दो रास्ते हैं आपस में, एक इकट्ठा यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्ज, ओके. देन क्या है सिनोनिम, क्या है, मीट, इंटरसेक्ट, क्रॉस, कम टुगेदर, कनेक्ट, लिंक अप, कोइंसाइड, टेंड टू मीट, कम टुगेदर. एंड एंटोनिम क्या है, डाइवर्ज या डिस्पर्स. ऑब्वियसली अगर ये आपके यहाँ कन्वर्ज हो रहे हो तो यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या हो रहे हो, फिर डाइवर्ज हो रहे हो, ठीक है. एक से अगर दूर दूर होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज, और दो चीजों का ऐसे साथ में आना, इंटरसेक्ट करना, उसे हम बोलते हैं कन्वर्ज. एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, अ पेयर ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर पैरेलल एट द इक्वेटर बट कन्वर्ज टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, कि जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, जैसे कि द पेयर ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, ठीक है, वो इक्वेटर पर पैरेलल रहती हैं, लेकिन जो पोल्स की तरफ है वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं. देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ स्फीयर, ये हमारा इक्वेटर है एंड ये हमारे क्या है, पोल्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की लाइंस ऐसी होती हैं, ठीक है. सो ये क्या है, इक्वेटर पे क्या है, ये पैरेलल है, लेकिन पोल्स की तरफ ये सारी क्या कर रही हैं, झुक रही हैं उसकी तरफ, जो है उसकी तरफ एक जगह मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं पोल्स की तरफ क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, ओके. तो ये था हमारा 11th वर्ड कन्वर्ज, इसका मतलब था एक पॉइंट पर मिलना, ओके. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी एक नाउन है एंड इसका मतलब है कामनेस ऑफ टेम्परामेंट और कंपोजर. कामनेस एंड कंपोजर स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मींस शांत करना, ठीक है, किसी आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में हो और मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना. मान लीजिए आप किसी बहुत ही ज्यादा, किसी से बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, कोई आप एक ऐसी फाइट में है, गुस्से में है, ठीक है, आपको कोई सामने वाला कुछ बोल देता है, ठीक है, ना आपको सडनली बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को, आपके लिए वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को शांत कर रहे हो, ठीक है, शांत हो आप, ठीक है. सो वो होता है इक्वानिमिटी. एंड सिनोनिम क्या है, कंपोजर, कामनेस, काम, लेवल हेडेडनेस, देन सेल्फ पोजेशन, सेल्फ कंट्रोल, इवन टेम्पर्डनेस, देन कूलनेस, कूल हेडेडनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड. एंटोनिम क्या होंगे, वॉलेटिलिटी, एजिटेशन एंड एक्साइटमेंट. एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड बैड विद इक्वानिमिटी, कि उसने जो है अच्छा और बुरा दोनों को एक्सेप्ट किया बड़ी ही शांति से, बहुत ही शांत भाव से, कोई उसमें इतना ज्यादा लाइक हल्ला उल्ला नहीं किया, ठीक है, बहुत शांति से. तो इक्वानिटी का मतलब होता है शांत रहना, ठीक है. अब आपको इक्वानिटी का मतलब होना तो आप इस पिक्चर को याद दीजिए, बिकॉज एवरी टाइम जब आप भी बुद्धा को देखते हो या लाइक दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं देखती हूँ, सो आई फील लाइक मतलब मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती है दिमाग में, ठीक है. सो आपको अगर आप हम अब याद रखिए इक्वानिमिटी, तो एकदम से लॉर्ड बुद्धा की अगर आपके दिमाग में फोटो आ जाती तो आपको याद रहेगा, हाँ जी ठीक है, इक्वानिमिटी का मतलब कामनेस, ठीक है, शांत रहना.
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसीड. कंसीड एक वर्ब है एंड इसका मतलब है एडमिट टू अ रॉन्ग डूइंग या ग्रांट. ठीक है, आपने कोई गलत काम किया है एंड आप उसको एडमिट कर रहे हो. ठीक है, मान लीजिए अगर आपने किसी से झूठ बोला है एंड आप उसे एडमिट कर रहे हो कि हाँ जी मैंने झूठ बोला है. ठीक है, या आप किसी चीज को ग्रांट कर रहे हो. ठीक है, उसका किसी चीज का जो है आप ब्लेम जो अपने ऊपर ले रहे हो. ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, एडमिट, ईड, कन्फेस या प्रोफेस. ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे, डिफेंड, स्टैंड, फर्म, कॉन्ट्रोडिक्ट या रिजेक्ट. ठीक है, तो अगर एक चीज है, अगर आप किसी चीज को एडमिट कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या होगा, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो कि नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही बोला, वो उसका उल्टा होगा. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस, द कैंडिडेट कंसीडेड आफ्टर इनफ वोट्स हैड कम इनटू शो दैट ही वुड लूज. ठीक है, अब नाउ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने यहाँ पे खुद कन्फेस किया, आफ्टर इनफ वोट्स हैड कम इन टू शो दैट ही वुड लूज. ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट ने खुद जो है वो कन्फेस किया, जब काफी ज्यादा वोट्स आ गए. ठीक है, तो वो काफी ज्यादा वोट्स आने के उसने कन्फेस किया कि ये तो कि का वोट्स आ गए तो मैं जीत गया वरना तो मैं हार जाता. ओके, सो कंसीड का मतलब होता है कि एडमिट करना. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोट लिखा है बड़ा अच्छा सा, एक्नॉलेज फेयर बट डोंट कंसीड टू इट. ठीक है, कि फेयर का सामना करो. ठीक है, लेकिन उसे एडमिट मीन्स उसको जो है आप अपने अंदर मत रखो. ठीक है, उसको जो है एडमिट मत करो, उसको कन्फेस मत करो. ठीक है, उसको अपने फेयर के खिलाफ लड़ो. ठीक है, अपने फेयर से लड़ो. ओके, एंड जस्ट लाइक विन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्जर. एब्जर क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है सॉलेमली रिनाउंस और गिव अप अ बिलीफ, कॉज और क्लेम, फॉर्मली रिजेक्ट, यूजुअली अंडर प्रेशर. ठीक है, कोई बस आपने रिजेक्ट कर देना या छोड़ देना प्रेशर के अंडर में. ठीक है, उसे हम बोलते हैं एब्जर. एंड इसके सिनोनिम्स क्या है, रिट्रैक्ट, रिकैंट या क्विट करना. एंटोनिम क्या होंगे, चीयरफुल, हैप्पी, डिलाइटफुल, इलेट. ठीक है, मतलब कोई अगर एब्जर है उसका मतलब है कि आप जो है गिव अप कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, प्रेशर के अंडर हो. ठीक है, क्विट कर रहे हो. ठीक है, एंड उसका उल्टा क्या है, आप कोई क्विट कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर है, स्ट्रेस में है. ओके, एंड उसका उल्टा क्या हो, क्या बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो, डिलाइटफुल हो. ओके, एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, MPs वर अर्ज टू एब्जर देयर एलिगेंस विद द फॉर्मर ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, सो इसमें जो MPs हैं, ठीक है, MPs को क्या किया गया, अर्ज किया गया कि वो क्या है, अपनी जो एलिगेंस है वो छोड़ दें. ठीक है, विद द फॉर्मर ऑपोजिशन, ऑपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट जो भी उनका जो एलिगेंस है, ठीक है, उसे वो चुपचाप जो है वो छोड़ दें, गिव अप कर दें. ओके, सो ये हमारा 14th वर्ड एब्जर. एब्जर का मतलब होता है गिव अप करना या क्विट करना. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोगेंट. ठीक है, कोगेंट या कजेंट, जो भी आप बोलो. ठीक है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग. कि कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई केस है उसे क्लियर करना या कोई लॉजिकल है या किसी को कन्विंस करना. ओके, सिनोनिम क्या है, कन्विंसिंग, कंपेलिंग, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, पावरफुल, पोटेंट एंड वेटी. एंटोनिम क्या होंगे, वीक एंड इनएफेक्टिव. एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, दे पुट फॉरवर्ड कोगेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर ब्रिटिश मेंबरशिप. ठीक है, कि वो क्या है, वो अपने कोगेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, मीन्स लॉजिकल या कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो रख रहे हैं सामने, किस लिए, ताकि उन्हें ब्रिटिश की मेंबरशिप जो है वो मिल जाए. ठीक है, तो ये था हमारा 15th वर्ड कोगेंट. एंड कोगेंट का मतलब होता है कि लॉजिकल या बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग. ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बींग सर्टेन और कॉन्फिडेंट. ठीक है, कि आप ऐसे स्टेट में जहाँ पे आपको पक्का लगता है कि हाँ जी ये सही है, या आप उसके बाद आप उस चीज को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो. अब जैसे मैं बोलूँ कि लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो मैं कॉन्फिडेंस से बोलूँ क्योंकि मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सिनोनिम्स क्या है, सर्टेनिटी की हाँ ये है, हो सकता है. ठीक है, एंड एंटोनिम क्या है, डाउट या सस्पिशन. ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो हाँ ये है, तो उल्टा क्या होगा, आप उसके बारे में डाउटफुल हो कि हो सकता है नहीं हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द नेगोसिएशंस विद एनी डिग्री ऑफ सर्टिट्यूड. ठीक है, कि ये कि ऐसे जो है आउटकम को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, नेगोशिएशंस के आउटकम को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाहे आप विद एनी डिग्री ऑफ सर्टिट्यूड. ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लेकिन फिर भी किसी भी नेगोशिएशन को के आउटकम को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, तो ये था हमारा 16th वर्ड सर्टिट्यूड, एंड इसका मतलब होता है आप किसी बात को लेके कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो, ओके कि हाँ ये है, ओके. नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंसरियस. सिंसरियस क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ऑफन क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल, क्रिटिकल अनकॉम्प्लीमेंट्री, बार बार दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना, हर बार उनमें खामियां निकालना. होते हैं कुछ लोग, ठीक है, उनको जो है अपने अलावा कोई परफेक्ट लगता ही नहीं है, ठीक है, एंड ऑलवेज हर चीज के बारे में कंप्लेन करना, हर चीज के बारे में नुक्स निकालना, बार बार बोलना ये ऐसा है वैसा है, इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, हमेशा दुखी आत्मा बन के घूमना. सो वो होता है हमारा सेंसरियस. सिनोनिम्स है इसके क्रिटिकल, पेजरेटिव, डिप्रेकेटरी, देन कंडेमिनेटरी, हाइपर क्रिटिकल, एंड एंटोनिम क्या है, अप्रूविंग, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एप्रिशिएटिव. वो ऐसा जो हमेशा अप्रिशिएट करे, अप्रूव करे, ठीक है, उसका उल्टा सेंसरियस जो हमेशा खामियां निकालता रहे, कभी उसने ये नहीं करनी, तारीफ नहीं करनी है, वो हमेशा कमी ही ढूंढेगा हर चीज में, ओके. एग्जाम्पल्स इन दिस, मेक श्योर स्टूडेंट्स रियलाइज दैट फैट इज अ सेंसरियस वर्ड, ठीक है, कि जो है हमें स्टूडेंट्स को रियलाइज कराना हो कि फैट क्या है. फैट क्या है, एक जो है सेंसरियस वर्ड है या प्रिजर्वेटिव वर्ड है, कि मीन्स इसे हम क्रिटिसाइजिंग वर्ड है, ठीक है, हमें किसी को ऐसे नहीं बोलना है कि वो फैटी है या किसी को लाइक बॉडी शेम नहीं करना है, ओके. तो ये था हमारा 17th वर्ड सेंसरियस. सेंसरियस का मतलब होता है हमेशा क्रिटिसाइज करना, हमेशा किसी में कमियां निकालना. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्पिंग. कार्पिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज या क्रिटिकल, या टू कंप्लेन ऑल द टाइम अबाउट मैटर्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट. एक तो कि जिसको बहुत ही मुश्किल से मनाना, ठीक है, ये हर ग्रुप में फॉर फ्रेंड सर्कल में एक न एक आदमी ऐसा जरूर होता है. अगर कहीं आप ट्रिप प्लान करते हो तो सब लोग मानेंगे, उसके आगे एक बंदा ऐसा होता है उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई चल ले या बहन चल ले, ओके. सो डिफिकल्ट टू प्लीज, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा उन चीजों के बारे में कंप्लेन करता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उन चीजों के बारे में कंप्लेन करना, ओके. सो ये दो वर्ड है, ये हमारा कार्पिंग है, एंड पिछला वर्ड था हमारा सेंसरियस. सेंसरियस का मतलब होता है दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना, एंड कार्पिंग का मतलब होता है कि हमेशा कंप्लेन करना ऐसे मैटर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स हैं फाइंडिंग फॉल्ट, कंप्लेनिंग, नेटपिकिंग, राउजिंग, क्रिटिकल, विनिंग, ग्रम्बलिंग या डेप्रिकेटरी, ओके. एंड एंटोनिम है कंटेंट या सैटिस्फाइड. एक जो ठीक है, हाँ सैटिस्फाइड है, हाँ जी जो है ठीक है, अच्छे एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई कांट स्टैंड द वे शी इज ऑलवेज कार्पिंग, ठीक है, कि मैं नहीं बस उसके साथ रुक नहीं सकती, वो हमेशा जो है क्रिटिसाइज करती रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है. तो ये था हमारा 18th वर्ड कार्पिंग, एंड कार्पिंग का मतलब होता है हमेशा क्या करना, कंप्लेन करना, या हमेशा इसको मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, ओके. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑगमेंट. ऑगमेंट क्या है, एक वर्ब है एंड एक नाउन है. इसका मतलब होता है मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट या इंक्रीज, कुछ चीज को जो है काफी बड़ा बनाना, उसमें एड करके, ठीक है, कुछ चीज को इंक्रीज करना, उसमें आप कुछ एड कर रहे हो, ठीक है. देन इसके सिनोनिम क्या है, इंक्रीज, सप्लीमेंट, एड टू, एनलार्ज, इंक्रीमेंट, बूस्ट, इन्फ्लेट, एनहांस, बम्प अप एंड एक्सपैंड. इस बच्चे को ही देख लो, आप बलून के पास, आपके पास ऐसे ऐसा होता है, इसमें आप हवा एड करते हो, हवा भरते हो, तो ये क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है. सो इसका ऑगमेंट. इसके एंटोनिम क्या है, कर्टेल, एब्रिज या शॉर्टन, ठीक है. एग्जाम्पल सेंटेंस, हर सेक्रेटेरियल वर्क हेल्प टू ऑगमेंट हर हस्बैंड्स इनकम, कि उसका जो सेक्रेटेरियल वर्क है, ठीक है, उसका जो सेक्रेटरी का काम है, उससे क्या हो गया, उसके उसके जो है हेल्प टू ऑगमेंट हर, उससे उसके हस्बैंड की इनकम को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प हुई, मीन्स घर की ओवरऑल इनकम इंक्रीज करने में हेल्प हुई. तो ये था हमारा 19th वर्ड ऑगमेंट, एंड इसका मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बनाना, उसमें कुछ ऐड करके, ओके. नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट वर्ड जो है इस वीक का, वो है एट्रोफी. एट्रोफी क्या है, एक वर्ब है, एंड इसका मतलब है ऑफ अ बॉडी टिश्यू और एन ऑर्गन वेस्ट अवे स्पेशली अ रिजल्ट ऑफ डीजनरेशन ऑफ सेल्स और बिकम वेस्टिजियल ड्यूरिंग एवोल्यूशन. तो एट्रोफी क्या है, एक हमारी कंडीशन होती है, बॉडी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है टिश्यू या ऑर्गन की, ठीक है, तो क्या होता है इसमें,
जो है हमारे सेल्स जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, सेल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज वेस्टिजियल हो जा रही है ड्यूरिंग एवोल्यूशन. वेस्टिजियल का मतलब होता है वो काम की नहीं रहती है. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो है हमारे विजडम टूथ जिसको हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, वो क्या एकदम वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बॉडी में उसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. तो ऐसी चीज जो वेस्टिजियल बन जाती है एवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, मीन्स किसी काम की नहीं होती लेकिन फिर भी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं, या फिर वेस्ट जो काम है, ठीक है, उसे, या फिर हमारे जो सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, उसे हम एट्रोफी बोलते हैं. तो बेसिकली ये सारी की सारी टर्म हमारे बॉडी टिश्यूज से रिलेटेड हैं. इसके सिनोनिम क्या है? वेस्टिंग अवे, वेस्ट, विदर, डिटोरिएट, डिजेनरेट, श्रिवल, विल्ट एंड वेन. एंड एंटोनिम क्या है? डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट. एग्जाम्पल सेंटेंस, द काफ मसल्स विल एट्रोफी आफ्टर सम टाइम, की जो काफ मसल्स है वो आप कुछ समय बाद एट्रोफी हो जाएंगे. मीन्स वो क्या है? डिजेनरेट होना जो है वो शुरू हो जाएंगी, या वो वेस्टिजियल होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीक के 20 वर्ड्स एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे. सो अगेन मैं यही बोलूंगी कि वोकैबुलरी को याद करने के एक तरीके, जस्ट आप रीड करते रहिए, ठीक है, एंड इन वर्ड्स को हर रोज जो है वो अपनी वोकैबुलरी, अपने डे टू डे जो भी आप पढ़ते हैं या बात करते हैं, ठीक है, उसमें आप जो है इनकल्केट करना, डालना शुरू कर दीजिए, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी. सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय.